The years of development and change which lie ahead are certain to throw up many new problems. We should not be afraid of these. You will surely surmount them if you stand by your faith and meet your difficulties in the spirit of humility and tolerance which our religion demands of us. This is especially important for the younger generations who will have to carry the future on their shoulders. Only the faith of your fathers can sustain you and enable you to live in peace here in this world and in the next. ठीक हो गए तो तुम्हें इस बात का नुकसान होगा। तो ये एक ऐसी चीज है बाप दादा की प्रणाली का थी। मौलाना हजर इमाम के घर के अंदर हमेशा सच्चा रहना चाहिए। इमाम फरमाया अपने मजहब पे पक्के रहो, 7 दिन तक हर रोज फरमान करता रहा। कोई भेद था, वो भेद क्या है? जमाना खराब आता है मोमिनों। आज से 20-25 बरस पहले लोगों के अंदर जितनी धर्म की भावना थी अब घट रही है। आने वाले 20-25 बरस में भावना और घट जाएगी, रोज बरोज नीचे गिरता जाएगा मामला। धर्म कमजोर होता जाएगा, अधर्म बढ़ता जाएगा। ऐसा जमाना आएगा कि जो आदमी कोई अपना धर्म पालता होगा तो लोग उसकी मस्खरी करेंगे। ये शुरू हो चुका है। दुनिया के अंदर नास्तिकवाद बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। थर थर मोमन भाई, कोई कोई रहते जी, ए कोई कोई रहते जी, अति जागो वीरा भाई, अति जागो। पीरों ने हमको जगाया, जागृत रहो, सुजाग रहो, अधर्म से बचो। रोज सुबह उठ के इबादत करो, बंदगी करो, दुआएं मांगो, मौला मेरा, मेरे बीवी बच्चों का, मेरे कुटुंबियों का, दोस्तों का, बल्कि सारी जमात का, जुमले जमात का। जब हम कहते हैं ना गत जमात, तो उसका मतलब हाजर जमात, और जब हम कहते हैं जुमलो जमात, तो आखिरी दुनिया की जमात। ये दो शब्द याद रखना, उसका मतलब क्या है। गत जमात का मतलब जो जमात इस वक्त हाजिर है, जो घर में बैठे हुए हैं वो उसमें शामिल नहीं। लेकिन जब हम जुमलो जमात कहते हैं तो सारी दुनिया की जमातें, तो हम उनके लिए दुआ मांगते हैं। हर रोज दुआ मांगो, मौला हमारा ईमान सलामत रखना। मौलाना हजर इमाम कांगो गए, कांगो उस वक्त गए कि जब ही रेलम सेलम की पैसे की। मौला ने बहुत फरमान किया, इशारा किया, देखो तुम्हारा देश बहुत आबाद है, लेकिन कभी किस तरीके से कह रहा है, लेकिन कभी तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ आ जाए तो घबराना नहीं। अगर तुम्हारा ईमान सलामत होगा तुम फिर उठोगे, कभी दूसरी दफा तुम गिर जाओगे कोई बात नहीं, कभी तुम्हारा ईमान सलामत होगा तुम फिर खड़े हो जाओगे। मौला फरमाया कभी 100 दफा गिरोगे तो 100 दफा उठ खड़े हो जाओगे, तो तुम्हारा ईमान सलामत रहा। मौला चले गए, 6 महीने हुए, मिलिट्री का बलवा हुआ, सब फॉरेन लोगों को लूट लिया, सबको। जो लखोपति करोड़ोंपति थे फ्रांस के अंदर, दिन उगा तो सब कुछ खत्म हो गया। तन के खाली 3 कपड़े रहे, घर का फर्नीचर तक का खींच गए।
एक शुक्र रहा कि कभी किसी इस्माइली की जान नहीं गई, ना आबरू गई, नहीं तो वहां तो जो वेस्टर्न कंट्रीज में बेल्जियम भाइयों तक को उन्होंने उनकी बड़ी बेआबरूई की। हमारी कौम मौला की रहमत से सलामत रही, लुट फुट गए, भाग निकले, कोई युगांडा चला आया, कोई तंजानिया आ गया, कोई यूरोप की तरफ भाग गया। 6-12 महीने के बाद जब सब कुछ ठंडा हो गया, ये लोग वापस आए और एक ही बरस के अंदर जितना कमाया था यानी घुमाया था उससे 10 गुना जास्ती कमा लिया। देखो इमाम के इशारे, दूसरी दफा फिर लुट गए, 6-8 महीने ठहर के फिर वापस आए। कांगो वालों के साथ ये चालू है, 2-4 बरस अच्छे जाते हैं फिर लुट जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं तो इतना कमाते हैं कि जितना कभी नहीं कमाया था। मौला फरमाया ईमान सलामत बनाता है। दुनिया के अंदर दुख तकलीफें मोमिनों आती रहती हैं, माल का दुख आता है, औलाद का दुख आता है, तंदुरुस्ती का दुख आता है, इज्जत का दुख आता है, बहुत से किस्म के दुख हैं इंसान को, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, इबादत ज्यादा करनी चाहिए, मौला के घर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मौला उसका हाथ पकड़ के फिर उसको खड़ा कर देता है। लेकिन जिसको माल मिले, जिसको अच्छा मकान मिले, मोटरें मिले, इज्जत मिले, तंदुरुस्ती मिले, ऐश आराम मिले, और फिर भी वो युवान अपार्टमेंट के अंदर वो ऐ मजे की तान के सोया हुए और सुबह 4 बजे इधर आधी दर्जन आदमी होते हैं, अरे कुछ खुदा का खौफ है कुछ खुदा का खौफ? 10x12 की कोठरी में रहते थे कि 25 आदमियों के अंदर एक संडास थी, आज आपको खुदा ने ऐसे आलीशान मकान दे दिए तो अभी खटले में से सुबह निकल भी नहीं सकते। दीनदारों कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। आप लोग मोमन हो, कभी गाफिल हो गए हो तो आज मैं आपको जगा रहा हूं, इमाम के नाम पर जगाता हूं। उठो, अपनी गफलत को छोड़ो, उस इमाम का शुक्राना अदा करो। नगूने मत बनो, अनग्रेटफुल मत बनो। आपके घरों में मोटरें हैं, आपके घरों में नौकर हैं, आपके घरों में रेफ्रिजरेटर हैं, आपके घरों में टीवी सेट हैं, आपके घरों में गाजले हैं, पंखे हैं, ऐश आराम के सब सामान हैं, बैंक में पैसे हैं, घूमते फिरते हो, मौज करते हो, सिनेमा में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, जहां 1 रुपया 10 बरस पहले खर्च नहीं कर सकते थे आज 100 की नोट फेंकते हो तो पता नहीं लगता। दीनदारों ये किसने दिया, किसने दिया? खड़क जमा खाने के अंदर हजरत दनी सलामत दातार शाह करीम हाजर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि ने इधर फरमान किया, इन कानों से सुना हुआ फरमान। मौला फरमाया जो कुछ दुनिया में तुम्हें खुदा ने दिया है तुम ऐसा मत समझो तुम्हारी अकल और होशियारी से मिला। अगर इमाम फरमाया मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूं, मानो के जाफर नाम का कोई आदमी है, अल्लाह मेरे यहां कोई जाफर बैठा हो तो मत समझे मैं उसका नाम लेता हूं, हजर इमाम ने लिया है। जाफर नाम का कोई आदमी है, मौला फरमाया उसने 10-20 बरस के बाद देखा तो उसके पास दुकान है, कारखाना है, बंगला है, मोटर है, आबरू है, बैंक बैलेंस है, तंदुरुस्ती है, बाल बच्चे हैं। अब वो समझता है ये सब मैंने अपनी अकल होशियारी से पैदा किया। हजरत इमाम धनी सलामत फरमाया नहीं नहीं, उसकी भूल है, उसने अपनी अकल होशियारी से नहीं, खुदा की रहमत से उसको ये चीजें मिली हैं, और खुदा की रहमत का कोई कारण होगा, कोई ऐसा नेक काम किया होगा, माता पिता की सेवा की होगी, किसी की दुआ भली होगी, किसी का भला किया होगा, उसने दुआ दी होगी, ये सब कुछ उसकी मर्जी से, उसकी खुद की मेहनत और खुद की ताकत से नहीं हुआ, खुदा की रहमत से हुआ। और खुदा चाहे एक आंख के पलक में ले ले, आंख पलक में ईरान का शहंशाह
कुछ टाइम पहले शहंशाह था, अब उस बेचारे को मारने के पीछे पड़े हैं। जो शहंशाह था फकीर हो गया, फकीरों को शहंशाह बना देता है, वो मुल्ला जो कैद में पड़ा था आज वो बादशाह बना हुआ है। ये खुदा के काम है, खुदा किसको चढ़ा देता है किसको नीचे गिरा देता है। लेकिन क्या खुदा विम्सिकल है? विम्सिकल कहते हैं आधे गांडे को, आधा दीवाना। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं मौला की माफी चाहता हूँ। खुदा ऐसा नहीं, वो हमारे आमाल देख के हमारे साथ ऐसा काम करता है। रसूलुल्लाह फरमाया, अल्लाह ने फरमाया है कि मैं लोगों के ऊपर उनके हालत देख के, उनकी गुनाह और नेकियां देख के, उनके ऊपर मैं ऐसे लीडर बनाता हूँ, ऐसे हुक्मरान और रूलर्स बनाता हूँ कि अगर वो गुनहगार हैं तो वो उनको पीसता है, और अगर वो अच्छे हैं तो वो उनको आबाद करता है। ये फरमान में भी है, ये फरमान में भी है। जिंदारो, आपको मौला ने बहुत कुछ दिया। आज तो जमात देखो भरी पड़ी है। मान लो कि 30% आदमी बाहर से आए हैं, बाकी 60-70% तो इधर रहने वाले हैं, और सुबह आपकी हाजिरी ना हो गए, सुबह आप एक ऐसी चीज घुमा रहे हैं कि जिसका दुनिया के अंदर कोई दूसरा एक्सचेंज नहीं हो सकता। सुबह उठने वाले आदमी पे मौला की रहमतें उतरती हैं। अगर कोई आदमी सुबह नहीं उठता, अगर कोई आदमी खुदा का शुक्राना नहीं करता, अगर कोई आदमी अपनी ड्यूटी फर्ज पूरा नहीं करता, तो जब तक उसकी पास्ट नेकियां हैं तो खुदा ताला उसको रिजक भी खूब देता है, मालो दौलत भी देता है, इज्जत भी देता है, तंदुरुस्ती भी देता है और सब कुछ देता है। मगर जब भी पीछे की सोर्सेज खत्म हो जाती हैं तो आमदनी घट जाती है, बेआबरूई हो जाती है, ऐसी बीमारी लग जाती है कि जो पीछा नहीं छोड़ती। कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, कई तरह की सजाएं खुदा दे सकता है। बहुत अच्छा इज्जत वाला आदमी है, मेरा एक दोस्त है अफ्रीका में, नामचीन आदमी। एक दिन मुझे फोन किया, मिशनरी साहब बहुत दिनों से मिले नहीं यार, आओ ना चाय पियेंगे। मैं कहूंगा टाइम दिया, शाम को मैं गया चाय पी। मैंने कहा क्या बात है? कहता एक बात कहनी है, मेरे साथ चलो। अच्छा, हम लोग गाड़ी में बैठे, 4-5 मील दूर जाके समुंदर के किनारे पे गाड़ी खड़ी की। ड्राइवर को उसने कहा निकल जा, हम दोनों बैठ के बातें करते रहे। बातें करते करते रो पड़ा। करोड़पति आदमी, अपनी फैमिली में लगभग 100 जीव हैं, जमात में बड़ी नामना, मौला के घर तक उसकी नामना है, और लोग उसकी तरफ देख के ईर्ष्या करते हैं। उसको खुदा ने सब कुछ दिया है, हम शाम सब कुछ। आज इसकी आंखों में मैंने पानी देखा, मैं बोला क्या बात है? कहता यार क्या कहूं, मेरे दोस्तों मेरे भाई हो, मैं अंदर अंदर जल रहा हूं, किसी को कह नहीं सकता। बहुत सोच सोच के आपको याद किया। मेरा बेटा है ना? मैंने कहा हाँ। बस ये कह के रो पड़ा। मैं बोला क्या हुआ? कहता है उसने एक बाहर और दूसरी औरत रखी है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, काम नहीं करता और बिजनेस में से चोरी करता है। पीछे जो हमारा गोडाउन है उसमें से बेल की बेल बाहर बिक जाती है। खूब बेचारे ने दुख रोया और रोता रहा। मैंने दिल में सोचा या मौला, बाहर के खूबसूरत चेहरे, हंसते हुए चेहरे, अंदर से कलेजे के दागों और जख्मों से कितने रोते हैं किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि इसके आदमी के दिल में कोई गम होगा, इसका कलेजा जल रहा होगा। फिर इसने अपनी बात सुनाई कि ये जो कुछ हुआ है उसका मैं जोखिमदार हूं, मेरे से ये हो गया,
बहुत बरस हुए, मैं समझा वो चीज मौत हो गई, भूला गया, लेकिन आज वो चीज मेरे सामने आई। मोमिनों, दुनिया के अंदर जो माता पिता करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, उसका असर औलाद पे जाता है, जरूर जाता है। अगर आप में से कोई शराब पीता है, खुदा ना करे कि ऐसा होवे कि युवान अपार्टमेंट में ऐसा कोई कम नसीब आदमी होवे कि जो शराब पीता है, लेकिन कभी कोई पीता है खुदा ना खास्ता, तो एक दिन उसको मौत से पहले ऐसा उसको घूसा पड़ेगा कि सारी जिंदगी की शराब भूल जाएगा। हो सकता है उसी का बेटा शराब पी के उसको मारे, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी का बाप बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो वो ये जरूर लिख ले ले कि उसकी औलाद में कोई ना कोई छुप छुपा के जरूर पीता है। हमारे मिशनरी थे, मशहूर मिशनरी अमीर लाखा, जवान शायद नहीं उनको देखा क्योंकि लगभग 15-16 साल हुए गुजर चुके। एक दफा अमीर लाखा ड्यूटी के ऊपर जाते जाते किसी गांव में पहुंचे, एक आदमी के घर पे खाने के लिए गए। उस आदमी ने कहा, मिशनरी साहब मेरी एक अर्ज है। क्या है? कि मेरा बड़ा बेटा है 18 साल का, वो बीड़ी पीता है, तो आप जरा उसको नसीहत करो और दुआ करो कि वो छोड़ दे। अच्छा, मिशनरी का काम क्या है? कपड़े धोने जैसा, धोबी जैसा, धोबी साबुन लगा के मैल निकालता है, मिशनरी भी धोबी की तरह है। कभी ठंडा पानी डालते हैं, कभी गर्म पानी डालते हैं। ठंडा पानी डाल के आप तवखान करते हैं, गर्म पानी डाल के कभी थोड़ी गलत सख्त बातें कह, गलत नहीं लेकिन सख्त बातें कह देते हैं, साबुन भी लगाते हैं। तो खाते खाते वो लड़का आया, तो उसने कहा ये मेरा लड़का है। 4-5 लड़के थे। बिठाया, बच्चा क्या करते हो? मिशनरी साहब मैं काम करता हूँ। क्या है? मेरी दुकान है। हाँ, शाबाश, शादी की अभी तक नहीं थी। ऐसी बातें करते करते मिशनरी साहब उसको ले आए कि बेटा दुनिया बड़ी ख़राब है, बदियों बुराइयों से बचना चाहिए, और देखो ऐसा तो नहीं कि तुम बीड़ी पीते हो। तो कहता है मिशनरी साहब मेरा बाप भी पीता है। बाप का मुंह नीचे हो गया। अगर बाप सुबह शाम जमात खाने आता है और छोटी उम्र से बच्चे को साथ लाता है, तो बाप मर जाएगा तो बच्चे की ये आदत जारी रहेगी और उसका फायदा बाप को भी पहुंचेगा, और बाप उधर बैठे बैठे दुआई करेगा तो आबाद हो जाएगा। बदियों बुराइयों से बचो। लंदन के फरमानों के अंदर यंगस्टर्स को मौला ने एक फरमान किया, और वो फरमान फिर बाहर बड़े हॉल में आके मौला ने रिपीट किया। हज़रत इमाम फरमाया, मैंने अभी अभी अपने यंग रूहानी बच्चों को फरमान किया है कि देखो मेरे रूहानी बच्चों, तुम बेस्ट एजुकेशन लो, आला दर्जे की डिग्रियां लो, टेक्निकल और प्रोफेशन लाइनों में जाओ, और तुम्हारा रिजल्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि तुम्हारे इमाम को तुम्हारे पे जायज फख्र होवे। मैं ये चाहता हूँ कि तुम सिर्फ पास हो जाओ, इतना नहीं बल्कि तुम्हारा रिजल्ट ए होवे, बल्कि ए प्लस होवे, टॉप ग्रेड की पोजीशन लेके आओ, और उसके बाद तुम अपने इलम का, अपने एक्सपीरियंस का, अपनी विजडम अकल का, अपनी एजुकेशन का जमात को फायदा पहुंचाओ। मौला फरमाया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जहां जहां मेरी गरीब जमातें रहती हैं, मैं तुमको इस बात के लिए कहता हूं, नम्रताई से कहता हूं कि बन सके तो तुम उन मुल्कों के अंदर जाके उन जमातों की सेवा करो, उनको गाइड करो, उनको एडवाइस करो। कभी तुम डॉक्टर हो तो उनका इलाज करो, कभी तुम इंजीनियर हो तो उनको इंजीनियरिंग से क्या फायदा पहुंच सके,
कभी तुम और कुछ हो तो अपने इलम का एजुकेशन का उन जमातों को फायदा पहुंचा। मामा फरमाया दाखला करी के अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया ईरान सीरिया रुवांडा एंड अदर कंट्रीज। इस तरह फरमाया। फिर साहब हंस के कहते हैं, मेरा ये मतलब नहीं कि सारी जिंदगी तुम वहां निकालो, दो बरस चार बरस पांच बरस उधर रह के उनकी सेवा करो, फिर तुम आ सकते हो वापस। एक और बात है, मौला फरमाया कि तुम बदियों बुराइयों में नहीं फंसना, अपने मजहब के ऊपर पक्के रहना, ये शराब तंबाकू और ड्रग्स वगैरह की आदत नहीं डालना। दुनिया में ऐसे देश हैं कि जिन देशों के अंदर ड्रग खाने वाले बहुत से जवान हैं और वो बेकार हो गए हैं, कोई काम के नहीं रहे। मौला फरमाया हो सकता है कि वो देश इस चीज को सहन कर लेवे, लेकिन हमारी जमात ये सहन नहीं कर सकती कि हमारा एक बच्चा भी ड्रग खाता होवे पीता होवे। Certainly our jamaat cannot afford it. Ae momino, hum hazir imam ke ruhani bachche hain, hum hazir imam ke ruhani bachche hain. Jis tarah hamara imam paak pavitra hai, aisa hamara jeevan bhi paak hona chahiye, saaf hona chahiye, pavitra hona chahiye, hamare vichar pavitra paak hone chahiye. अजानी गलती हम इंसानों से होती है और वो अजानी गलतियां भूले मौला मुआफ करता है। हम जब जत में आके है जिंदा कहते हैं, दुआ कराते हैं, तस्वीर निकालते हैं, दुआ पढ़ते हैं और फिर न्याज पीते हैं, तो हमारे गुनाह अजाने गुनाह यूं ही मौला मुआफ कर देता है। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा हमारे ऊपर कोई चीज का असर पड़ सकता है इबादत में, तो वो सुबह की इबादत है। सुबह की इबादत, सुबह इबादत बहुत करो। मगरिब के वक्त शाम के वक्त तो जमात खाने आना चाहिए, लेकिन बाज आदमियों के ऐसे धंधे हैं जैसा कि रेस्टोरेंट वगैरह के, जो शाम ही को हो सकता है और वो बेचारे मजबूरन जमात खाने नहीं आ सकते। मगर दीनदारों, ऐसे लोग के जो शाम को धंधा छोड़ के जमात खाने नहीं आ सकते, क्या सुबह 5 बजे भी उनकी दुकान खुली होती है? उस वक्त तो आओ, मौला को पांव लगो, जागो जागो भाईरा, एम सारण बयानी, एम सा, ऐसा क्यों तुम रात गुजार रहे हो? जागो और उठो, फिर जगाते हैं, उठो, सुबह मौला को याद। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, नूर के वक्त मैं उठ के सारी दुनिया के अपने रूहानी बच्चों को, छोटे को बड़े को, जवान को बूढ़े को, औरत को मर्द को, पढ़ने ले जो हैं शादी वाले उनको, और जो पढ़ने ले नहीं कुंवारे हैं उनको, शादीशुदा औरतों को, कुंवारी लड़कियों को, अमीर को, गरीब को, सबको, एक एक को मैं याद करता हूँ। तुम्हारी दुनिया दीन की भलाई के लिए तुम्हें दुआएं देता हूँ। मोमिनो, जब मौला दुआएं दे रहा है, उस वक्त उठ के झोली फैला के उसकी दी हुई भीख को लेके अपने घर में जाओ, बरकत लेके जाओ, बरकत लेके जाओ, और सुबह बड़ी बरकत होती, इंसान के दिमागी हालत अच्छी होती है, उसको मौला बरकतें देता है, उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है, आत्मा की ताकत बढ़ने से बदियों बुराइयों से बच सकता है, शैतान के साथ लड़ने की शक्ति कुवत पैदा होती है। छोटी छोटी बदियां तो ठीक, लेकिन बड़ी बड़ी बदियां भी भाग जाती हैं, मौला खुद उसकी मदद करता है। सुबह के वक्त जरूर उठो, उठी अल्लाह ना गुरे बंदो, उठ, तू मौला को याद नहीं करता, तू सुते सजीरा
तारी रात सोया नका जोरी जीव जीवाना ना तेरे को अपनी जीव की पड़ी है नका जोरी जीव जीवाना नका समरसा न तुमने कोई भत्ता लिया आखरत का शाजो मंजीरो तिनी खेजे को सुबुड़े जागन सुबह जो जागते हैं खुदा उन पे राजी होता उठो मौला को याद करो सुबुड़े ना जागे आज सुबुड़े ना जागे आज देखे हुरो ना इंदियों हथर से हाय हाय कंदा हथ हणीदा हाय हाय कंदा हथ हणीदा जिवारी विन जाई वत्र शाजो मंजिरो तिनी खेजे को सुबुड़े जागन जो सुबह नहीं जागेंगे उनको मौला नियामतें नहीं देगा। हूर कहते हैं एक खूबसूरत स्त्री को। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि खुदा की सबसे बड़ी जो नियामत है तो ईमान है, लेकिन उसके बाद एक आला नियामत यह है कि मर्द को नेक खूबसूरत सेवा करने वाली बीवी ले ले और औरत को उसकी रक्षा और मोहब्बत करने वाला नेक मर्द दे। ये जो जोड़ा है मियां बीवी का ये भी खुदाई बख्शीश है। नेक मर्दों को मौला नेक बीवियां देता है और नेक भाइयों को मौला नेक मर्द देता है, ये भी उसकी नियामतें हैं। सास ससुर प्रेम मोहब्बत करे, शोहर प्यार करे, पराई औरत पे बद नजर न करे, खाना पीना ऐश आराम का सब ध्यान करे, अच्छी नेक औलाद होवे, घर में मोहताजी ना होवे, इज्जत आबरू होवे, दो पैसे खुदा ने दिए होवे, दीनदारों उसके दिल में ईमान होवे, क्या और कोई दूसरी चीज का नाम जन्नत है? इसी का नाम तो जन्नत है, इसी का नाम जन्नत है। करोड़ों रुपए हैं, माल मिलकत है, फैक्ट्रियां हैं, घर में आता है तो मियां बीवी झगड़ते हैं, कलेश कलेश, उसके कलेजे में अग्नि जलती है, उसके कलेजे में अग्नि जलती है, दोनों तरफ सिगड़ियां जल रही हैं, क्या ये खुदा की सजा नहीं? ये दोजख है। उधर औरत के दिल के अंदर सिगड़ी जल रही है, उधर मर्द के दिल में सिगड़ी जल रही है, घर में आया और झगड़ा शुरू, सर फटोल, तू तू मैं, लानत है ऐसे जीवन पर, यह खुदा की सजा है। लेकिन जो आदमी मोमन है, जो खुदा से डरते हैं, जो गुनाह करने से भागते हैं और कभी गुनाह हो जाता है तो रो पड़ते हैं, अगर गुनाह हो जाता है तो रो पड़ते मौला मेरे से कसूर हो गया, या मौला मैं फंस गया, मेरा इरादा नहीं था लेकिन हो गया। ऐसे लोगों के आंसू उसके गुनाह को धो देते हैं। पछतावा करने वाला खुदा की नजर में प्यारा होता है। कोई चीज तोड़ कर, कोई नुकसान करके माँ डांटती है जब ही, तो बच्चा भाग के कभी मां के साथ लिपट जावे तो क्या होता है? मां के हाथ ठंडे हो जाते हैं, गुस्सा निकल जाता है, कलेजे से लगा लेती है। खुदा भी ऐसा ही है, प्यारी मां की तरह उस बच्चे को कलेजे से लगा लेता है, जो गुनाह करते वक्त या कर लेने के बाद पछतावा करके रो पड़ता है। आंख का टपका हुआ एक आंसू
एक महीने की इबादत के बराबर बन जाता है। पछतावा बहुत बड़ी चीज है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह, मुझे मुआफ कर दे ऐ अल्लाह, ऐ मेरे पालने वाले, मैं पछतावा करता हूँ। तूबु अलैह का मतलब तौबा करना, और तौबा का मतलब पछतावा करना, तौबा का मतलब पछतावा करना, यानी मैंने गुनाह कर दिया, तू रहम रहने भागता है, मुझे बख्श दे, मैं पशेमान होता हूँ। और जो पशेमान होता है फिर दूसरी दफा नहीं करता। मोमन का दिल गुदाज और नरम होता है। तो हूर का मतलब क्या है? नियामत। जैसा एक अच्छी खूबसूरत नेक आबिद मोमन सेवा करने वाली, प्यार करने वाली पवित्र बीबी एक खुदा की नियामत है, इसी तरह से औरत के लिए ऐसा ही नेक पाक पवित्र मर्द उसके लिए खुदा की नियामत है। इस नियामत को अरबी जबान में हूर कहते हैं। ऐसी 50 हूरें यानी 50 जात की नियामतें मौला उस बंदे को देता है जो सुबह उठ के इबादत करते हैं, जो सुबह उठ के पलंग छोड़ देते हैं, जो अपनी नींद का एक भाग निकाल के और खुदा की याद में गुजारते हैं। दीनदारों, ये एक जात की कुर्बानी है। जिस तरह माल की कुर्बानी है, इस तरह आप अपने आराम की कुर्बानी दे रहे हो कि आपको उस वक्त, खसूसन उस वक्त 4 बजे के करीब ऐसी नींद आती है जिसको सारी रात नींद नहीं आती, वो 4 बजे सो जाता है। 4 बजे ऐसा पहर है कि उस वक्त नींद का गलबा बहुत होता है, लेकिन जो सच्चे मोमन है उस वक्त अपनी नींद का त्याग करके हाजर इमाम की खातिर, मौला के प्रेम की खातिर अपनी नींद कुर्बान करके उसके मौला को याद करते हैं। जहां जमा खाने बहुत दूर हैं, दो दो पांच पांच दस दस मील के ऊपर नहीं पहुंच सकते, पलंग छोड़ दो, हाथ मुंह धो लो, थोड़ा सा ठंडा पानी पियो, ठंडा यानी बर्फ का नहीं, ऐसा ही बोतल में रखा हुआ। क्यों पानी पियो? कि रात को 5-6 घंटे जब सोए तो सांस और पसीने से हमारे बदन का पानी कम हो गया है, लहू जो है गाटा हो गया है। थोड़ा पानी पीने से सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, मगज अलर्ट हो जाएगा, इबादत करने के अंदर फायदा होगा। थोड़ा सा पानी पियो, जमीन पे बैठ के बंदगी करो। और आपकी तरह जैसे कि ये युवान अपार्टमेंट का जमात खाना है, अरे दीनदारों, यहाँ सुबह के वक्त मुखी शाबुद्दीन पिनांग वाला जब गिनान बोलते हैं तो घरों में अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। एक तो आवाज पहाड़ी और दूसरा वक्त शांत, आपके 16 माले तक आवाज जाती है। फिर भी कभी आदत डाल दोगे तो उन्हें 4 बजे खुद ब खुद आंख खुल जाएगी। सुबह उठो, बंदगी करो, एक दिन हमें मरना है। हजरत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि इस्लाम के अंदर यह ईमान है कि हमें एक दिन हिसाब देना है। मौला फरमाया ऐसे काम करो कि तुम्हारा हिसाब अच्छा होवे, ऐसा ना होवे कि तुम्हें हिसाब के दिन शर्मिंदा होना पड़े। पीरों ने कहा कि केनी पेरे साहिब लेखा लेते, खालक गुनाह बख्श से, उस दिन का इंतजार हर बशर को होना चाहिए। तो दीनदारो, मैंने आपको बड़ी लंबी चौड़ी आवाज सुना दी, 2.25 घंटे हुए हैं मेरे आवाज करते करते, और आपको शाबाश है कि आप भी हिले नहीं। मैंने जो कुछ आपको अर्ज किया मौला के फरमान पीरों के गिनानों से कहा, मेरी आजिजी है आपके पास, आप रोज सुबह उठ के जमात खाने आओ। 24 घंटे में एक दफा हर इस्माइली भाई बहन को, कमती में कमती एक दफा, बन सके दोनों टाइम, नहीं तो एक टाइम तो जरूर जमात खाने आओ। आदत डालो इस चीज की, 6-12 महीने ये आदत डाल के देखो, फायदा नहीं होवे तो छोड़ देना, फायदा नहीं होवे तो छोड़ देना, लेकिन 6-12 महीने एक भी दिन नागा किए बगैर कभी हाजिर इमाम के दर पे आना है तो आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वो कुर्बानी है रात के घूमने फिरने, जागने, पत्ते खेलने की, म्यूजिक सुनने की,
टीवी देखने की, गप्पे मारने की, सिनेमा देखने की, ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो रात को आपको 1-2 बजे तक जगा रखती हैं, वो नहीं चलेंगी। 2 तलवारें एक नियाम में नहीं रहेंगी। या तो सुबह का जमात खाना अपने कलेजे में उतारो, और या फिर हजरत अजराइल को और अजाजील दोनों को, अजराइल मौत का फरिश्ता, अजाजील शैतान का फरिश्ता, दोनों को उतारो, आपकी खुशी। लेकिन अगर जो आप नेकी के रास्ते पे जाओगे तो आपकी औलाद भी जाएगी, और आपको अपने बुढ़ापे के अंदर औलाद का सुख मिलेगा। अगर मोमन होगी औलाद तो मात पिता का ध्यान रखेगी, नहीं तो कहेगी अब्बा अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। रिखी सर के घर में बधाइयों होंगी। मैं शैल पाठ बोलता हूं, मेरे साथ सारी जमात बोले, हे जी आशिकारी पना छतर छाया मेरा, आफते बलाएं दूर करे, बदियां बुराइयां दूर करे, नेक तौफीक दे, हकीकती समझ दे, अपना फरमान बरदार मोमन बनाए, 10-15 सुक्रीत इबादत में पूरा रखे, जुमले जमात कुतुम कबीले में सला संत दे, मौलाना हाजिर इमाम आपके दिलों को अपने नूर से भर दे, मौलाना आज़र इमाम हमेशा आपको अपनी पनाह छतर छाया में रखे, मौला आपको आला तंदुरुस्ती दे रहे, हर मोहलिक लाइलाज जिसकी बीमारी दफे दूर करे, मौला आपको सुख वाली लंबी जिंदगी दे, मौला आपको आपकी औलाद का सुख दे, मौला आपको आपकी औलाद में नेक बरकत तौफीक दे, मौला आपकी रोजी रोजगार में पाक और रोजी दे रहे और बरकत दे रहे, मौलाना हाजिर इमाम दिनों दुनिया में आपको सुखी आबाद करे, जहरी बातूनी दीदार इनायत करे।